हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप देख रहे हैं खाने का ज्ञान और आज हम एक बहुत ही स्पेशल और सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि चाइनीज़ कुजीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्सर ही हमारे साथ ऐसा होता है कि हम होटल जाते हैं या रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पर चाइनीज़ रेसिपी हम ऑर्डर करते हैं। वहाँ पर रेसिपी तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम घर पर आकर उसे बनाते हैं वो उतनी अच्छी नहीं बनती। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। चाइनीज़ रेसिपी हाई फ्लेम पे बनाई जाती है, पतले वॉक में बनाई जाती है, या साथ में वो एक खास इंग्रेडिएंट डाला जाता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। बहुत ही कम ऐसे चैनल है मैंने देखा है जो उस खास इंग्रेडिएंट को डाल के रेसिपी को बनाते हैं, जबकि आप पनीर चिली, चाउमीन या फिर आप मंचूरियन अगर बनाते हैं तो उसमें भी उस खास इंग्रेडिएंट को डाला जाता है। तो वो क्या है खास इंग्रेडिएंट, इसी के बारे में ये वीडियो है। तो वो खास इंग्रेडिएंट है ब्रोथ पाउडर, जिसे कि चाइनीज सीजनिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये दो तरह के होते हैं, वेज भी होता है और नॉन वेज भी होता है। हम बात करने वाले हैं वेज ब्रोथ पाउडर की, जिसे एरोमेट पाउडर भी कहते हैं। इसे सब्जियों को स्पाइसेस के साथ बॉयल करके, इसे ड्राई करके, फिर इसे पाउडर फॉर्म में बेचा जाता है। बहुत ही आसानी से ये मार्केट में अवेलेबल होती है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ब्रोथ पाउडर क्या होता है, कैसे पैकेट में होता है, कितने का होता है और उसे आप कहां से परचेज कर सकते हैं। तो ये है नॉर का एरोमेट सीजनिंग पाउडर। यहां पे देखिए, नॉर का एरोमेट सीजनिंग पाउडर है जिसे ब्रोथ पाउडर के नाम से भी जाना जाता है और ये चाइनीज़ रेसिपीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। आप चाहे तो इसे सूप में डालें, इसका स्टॉक भी बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट होता है। इधर यहाँ पे इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 5 पैकेट 100-100 ग्राम के, 500 ग्राम का ये पैक होता है। इसके अंदर आपको 5 पैकेट मिलेंगे, 215 रुपये MRP होती है। और इसके बाद ये 7 महीने जो है आपका ये प्रोडक्ट चलेगा। वैसे अगर आप इसे पैक रहने देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, 215 रुपये की MRP है, बेस्ट बिफोर 7 मंथ्स फ्रॉम पैकिंग। और ये प्रोडक्ट है आपका, तो पूरा डिटेल इसके बारे में यहाँ पे लिया गया है। आप इसका बेस्ट बिफोर कब का है वो देख के ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इस तरफ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सारी ही डिटेल यहाँ पे दी गई हैं। और यहाँ पे 2 डिशेस के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे है वेजिटेबल फ्राइड राइस, और इसमें इसका किस तरीके का यूज़ किया जाता है और रेसिपी क्या है वो भी बताई गई है। साथ में पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल है और वेजिटेबल स्टर फ्राई के बारे में भी बताया गया है कि उसका भी आप यूज़ इसमें किस तरीके से कर सकते हैं और रेसिपी क्या है। इसके साथ ही बहुत ही डिटेल में यहाँ पे बताया गया है कि आप इसे किस तरीके से सीजनिंग के रूप में ऊपर से डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको स्टॉक बनाना हो तो भी, ग्रेवी के बारे में, और आपको अगर रेसिपी डिटेल में चाहिए तो वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। ये किस तरीके से बना होता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पे डिशेस के बारे में सबसे नीचे दिया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि फ्रेश सूप, हॉट एंड सॉर सूप, और इसके साथ ही यहाँ पे दिया गया है चाइनीज़ सॉस के बारे में, ग्रेवी के बारे में, और इसके बाद सैलड ड्रेसिंग डिप, और यहाँ पे पास्ता, रिसोटो, और पुलाव, बिरयानी, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं कि कितनी अमाउंट में आपको कितने ग्राम इस पाउडर का यूज़ करना है। और सबसे नीचे आप लास्ट में देख सकते हैं कि फॉर फ्री यहाँ पे लिया गया है रेसिपीज़। आपको 500 से ज़्यादा सेप्स के द्वारा सुझाई गई यहाँ पे रेसिपीज़ भी मिल सकती हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इससे, और बहुत सारा बढ़िया यूज़ आप कर सकते हैं इस प्रोडक्ट का। तो बातें तो बहुत हो गई, अब मैं इस एरोमेट सीजनिंग पाउडर को आपको खोल के दिखाता हूँ, जैसे कि आपको पता चले आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे 5 अलग अलग पैकेट आपको इस तरीके से मिलेंगी। इन पैकेट पे भी पूरा डिटेल दिया गया है, रेसिपी के बारे में कुछ बताया गया है। तो बहुत ही आसानी से आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इस तरीके के आपको 100-100 ग्राम के 5 पैकेट मिलेंगे, 3-4, और ये 5 पैकेट हो गए। तो इस तरीके से ये 5 पैकेट है। अब मैं इसे आपको खोल के दिखाता हूँ जिससे कि आपको पता चले कि ये दिखता कैसा है। तो मैं इसे काट लेता हूं और काट के दिखाता हूं, और साथ ही टेस्ट करके भी आपको दिखाता हूं कि ये कैसा लगता है और इसका आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से इसका कलर है, और इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया गया है, आपको बताया ही गया था। और ज़रा मैं इसे आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ कि बताता हूँ कि ये
आखिर है किस तरीके का, तो ये थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लेता हूँ। और इसका स्वाद जो है वो मुझे मैगी के मसाले की तरह लगता है। पहले मैंने इसे टेस्ट किया हुआ है लेकिन फिर भी ये मैगी के मसाले की तरह है, बिल्कुल चटपटा है और बहुत ही डिलीशियस है। तो अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग इसका यूज़ क्यों नहीं करते, बताते क्यों नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी सॉल्टी होता है। अगर आप इसे डालते हैं तो बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती है नमक की फिर डिश में। और जब हम YouTube पे कोई इंग्रेडिएंट के बारे में बताते हैं, कोई रेसिपी बताते हैं, तो उसमें सॉल्ट डालते हैं और इसे डालने के बाद सॉल्ट की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगी, तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा, हर किसी के पास ये अवेलेबल नहीं हो सकता, इसलिए भी इसे नहीं बताया जाता है। तो अब मैं चलिए दिखाता हूँ आपको कि ये आप कहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अमेजॉन एप्लीकेशन मैंने खोल लिया है और आपको टाइप करना है एरोमैट सीजनिंग पाउडर फॉर कुकिंग, या एरोमैट पाउडर फॉर कुकिंग आप करेंगे तो दूसरे नंबर या पहले नंबर पे ही नॉर का आपको एरोमैट पाउडर मिल जाएगा। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नॉर का ले, अच्छे ब्रांड का ले। और उसके बाद आप इसे पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए प्राइस 215 रुपये है और डिलीवरी चार्ज 80 रुपये ज़रूर है, लेकिन आप अगर इसे लेना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा ये नहीं होगा। पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है प्रोडक्ट के बारे में, क्वेश्चन आंसर रिव्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, 4.2 है 5 में से, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो देखा आपने, इस खास इंग्रेडिएंट को डालने के बाद आपके चाइनीज खाना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनेगा, खासतौर पर सूप और जो हम इंडो चाइनीज रेसिपी बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया ये इंग्रेडिएंट है, इसे आप जरूर लीजिए और अपने चाइनीज रेसिपीज में डालिए, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मैं जल्द ही अपने दूसरे चैनल एस कलिनरी पे आपको ये बताऊंगा कि इसका आप यूज़ किस तरीके से अपने रेसिपी में कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।